जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है और उसका टाइप्स जो भी होता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि फ्रैक्शन आखिर जो वर्ड है वो यूज क्यों किया जाता है, आखिर वो आया कहाँ से, उसका यूज कैसे है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, मैंने उसका कुछ भाग खा लिया। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रोटी था, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि इसका इतना भाग खा लिया मैंने, ठीक है। तो अब मेरे पास इतना बचा, इस वाला भाग को मैंने खा लिया, तो मैंने पूरी रोटी का कितना भाग खाया ये मेरे को जानना है। और यही आंसर जो आएगा वही मेरा फ्रैक्शन में होता है, वो फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ऐसे हम नॉर्मल देख रहे हैं कि एक पूरा सा गोल रोटी था, उसका आधा मैंने खा लिया, आधा बचा। तो आधा, आधा मतलब क्या, आधा को हम 1/2 बोलते हैं, दिस इज हाफ, ठीक है। तो यही चीज है। तो ये तो हो गया आधा खा लिया, इसलिए हाफ 1/2 हो गया। बट अगर मैंने आधा ना खा के इस पोर्शन को खाया होता तो मैंने कितना भाग खाया, मैंने कितना फ्रैक्शन में कितना खाया, मैंने कितना पार्ट खाया, यही मेरे को जानना है। तो इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं कि फ्रैक्शन जो पूरे होल का जो होता है वो एक पार्ट होता है, वही फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि ये रोटी था, इसमें मैंने चार भाग किया, ठीक है, चार भाग, एक ये भी भाग है, और इसी भाग को मैंने खाया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना बचा, मतलब कि चार पार्ट में मैंने डिवाइड किया रोटी को, उसमें से एक पार्ट को मैंने खा लिया। अब मेरे पास 1, 2, 3 टोटल 3 पार्ट बचा है, 3 रोटी नहीं बचा है, 3 पार्ट बचा है, एक रोटी का 3 पार्ट बचा है मेरे पास और एक पार्ट मैंने खा लिया है। तो ये 1, 2, 3 3 पार्ट है मेरे पास, 3 पार्ट को मैंने जो बच गया है वो ये कहलाएगा 3, ठीक है, 3 पार्ट बचा है। कितने में बचा है, मतलब मैंने टोटल कितना टुकड़ा किया था, 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो 3/4, दिस इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यही है कि अगर मैं बोलूं कितना पार्ट बच गया, तो 1, 2, 3 और फिर टोटल कितना पार्ट था, 4, तो 3/4, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ रोटी। रोटी का ये फ्रैक्शन है जो बच गया, ठीक है। रिमेनिंग ब्रेड रोटी चपाती बोल सकते हैं, कि रिमेनिंग चपाती का जो पार्ट है वो मेरे को आ गया। चलिए, ये तो जो आया फ्रैक्शन, ये आया कि मेरे पास अब रोटी इतना बचा है। लेकिन अब मैं अगर बोलूं कि मैंने कितना पार्ट खा लिया है, मैंने कितना पार्ट खा लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे। तो मैंने टोटल 4 पार्ट था, ठीक है, 1, 2, 3, 4 4 पार्ट था टोटल, उसमें से एक पार्ट खाया है, 1 पार्ट को मैंने खा लिया है, तो फिर 1, एक पार्ट खाया तो 1, टोटल कितना पार्ट था मेरे पास, तो टोटल था मेरे पास 4 पार्ट था, तो यानी कि 4, 1/4, मतलब इतना रोटी मैंने खाया है और इतना रोटी बचा है। अब इसको हम चेक कैसे करते हैं कि मैंने सच में ये जो फ्रैक्शन लिखा वो सही है या गलत है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो रोटी है वो तो पूरा होल है, एक रोटी है मेरे पास, 1, ठीक है, चलिए, और ये पार्ट को अगर मैं, इस पार्ट को मैंने खा लिया था, अगर इस पार्ट को हम अगर अभी यहाँ पे डाल देते हैं तो ये पूरा होल रोटी बन जाता है, एक रोटी बन जाता है। ठीक उसी को हम चेक करते हैं कि 3/4 अभी मेरे पास है, ठीक है, रोटी बचा है, 1/4 को मैंने खाया था, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आता है 3+1/4=4/4। अगर मैं इसको काट दूं तो 4/4 को 1 आता है काट, मतलब कि देखिए एक रोटी पूरा हो गया और एक यहां भी आ गया, मतलब एक रोटी, दिस इज फ्रैक्शन। यही फ्रैक्शन में हमको समझना है कि जो भी पार्ट डिवाइड करके उसमें से कुछ पार्ट को हम जो लेते हैं वही मेरा कहलाता है फ्रैक्शन, ठीक है। अब जरा देखते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 kg राइस है, कितना राइस है, 2 kg, ठीक है। हम लोग बोलते हैं उसमें से कि मैं उसमें से आधा किलो ले लेता हूं, आधा किलो, देखिए ध्यान रखिएगा, आधा किलो 1/2 होता है, ठीक है, 1/2,
तो मेरे पास अब कितना पार्ट बचता है, चावल कितना बच जाता है वो मेरे को देखना है। तो 2 - 1/2 जब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से पहले एक हम देखेंगे, कुछ समझ ही आइए उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये फ्रैक्शन लिखा 2/3, ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये हम लोग पहले देखेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। समझ, तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है, जिसको हिंदी में अंश और हर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम लोग समझते हैं कि क्या क्या होता है टाइप्स। सबसे पहले है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। बहुत सारे फ्रैक्शन मैंने लिए और उसका डिनोमिनेटर मैं देखूंगा कि वो सेम अगर है, इक्वल है, तो वो मेरा लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, और अगर वो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो वो मेरा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/5, 4/5, 3/5, 19/5। अब देखिए सभी में डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, सभी में डिनोमिनेटर सेम है, 5 है, तो ये मेरा जो है चारों लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है, चारों जो है वो मेरा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। देखिए ये लाइक फ्रैक्शन था तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाया। अब देखते हैं अनलाइक, अनलाइक ठीक इसका अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये कि अगर डिनोमिनेटर कुछ फ्रैक्शन, दो चार कोई भी फ्रैक्शन लिए हम, दो चार फ्रैक्शन लेते हैं, अगर उसमें से सभी का डिनोमिनेटर एक दूसरे से अगर अलग है, डिफरेंट है, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ये देखिए 1/3, 3/6, 4/9, इसमें डिनोमिनेटर इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, कुछ भी है, अलग अलग है, तो ये जो मेरा कहलाया, ये मेरा कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। जैसे देखिए 3/9 डिनोमिनेटर इसका 9 है, न्यूमरेटर इसका 3 है, जो कि 9 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह अगर देखते हैं तो 10/12, इसमें क्या है, 10 जो है वो न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, तो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक इसका अपोजिट होता है, जैसे 5/4, 9/2। अब देखिए इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर उससे छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता आप लोग ये समझ गए होंगे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होगा। लास्ट आता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, देखिए ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं तो हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मेरे पास 15/4 है, ठीक है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको आप डिवाइड करिए, 4 × 3 = 12, यहां पे 3 बचता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 whole 3/4, और यहां पे हम इसको लिख देते हैं 3 whole 3/4, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 15/4 को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं वो भी आगे चल के बताएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए 15/4 था, इसको मैंने डिवाइड किया 4 से 15 को, ठीक है, समझ गए। उसके बाद डिवाइड होकर रिमाइंडर में 3 बचता है, कोसेंट में 3 है और डिविजर में आपका 4 तो है ही, तो इसको लिखेंगे, कोसेंट को सबसे पहले हम आगे लिखेंगे जो कि होल नंबर में मेरा होता है, वो होल है, ठीक है। नेक्स्ट रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर में देंगे और डिवाइजर को हम
डिनोमिनेटर में देंगे, तो ये मेरा कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये मेरा फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर से इम्प्रॉपर, लाइक से अनलाइक वगैरह जितना भी टाइप्स है उसका यूज सिखाऊंगा, उसका कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं और डिफरेंस कैसे भी करते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसको हम कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।